नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सुल्तानपुर में एक पिता पिछले 17 दिनों से अपने मृतक बेटे का शव डीप फ्रीजर में रखकर न्याय की उम्मीद तलाश रहा है। असल में वो चाहता है कि उसके बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम हो, चूंकि उसकी बहू ने दिल्ली में पोस्टमार्टम करा दिया। ऐसे में पिता को संदेह है कि बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, बहू ने की है। पिता का यह भी आरोप है कि 2 फ्लैट और 85 लाख रुपए बहू ने अपने नाम करा लिए थे। इसी बात को लेकर उसने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 17 दिन से डीप फ्रीजर में रखा शव, पिता ने फ्रीजर में रखवाया बेटे का शव। न्याय के लिए इंतजार नहीं हुआ अंतिम संस्कार। सत्रह दिनों से इंसाफ की राह देख रहे इस पिता की आंखों में छिपे दर्द को महसूस कीजिए, आपको खुद रोना आ जाएगा। दरअसल सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के पूरे सूबेदार पाठक गांव के शिव प्रसाद पाठक के बड़े बेटे शिवांश की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह पता नहीं चल सकी और रोते बिलखते परिवार वालों की किसी जिम्मेदार ने सुनवाई नहीं की, लेकिन शिवांश के पिता ने हिम्मत नहीं हारी और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। अब ये परिवार कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा है। हमने थाने में तहरीर दी, उन्होंने बोला और एसपी साहब के यहाँ दी तहरीर, फिर कहीं से न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय में गए हुए हैं। अभी न्यायालय का आखिरी फैसला नहीं आया हुआ है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि शिवांश दिल्ली में जो कंपनी चलाता था उसी में एचआर पद पर काम करने वाली गुरमीत कौर से उसने लव मैरिज की थी, जिसके बाद दोनों की एक बेटी भी है। लेकिन अब परिवार वालों को शक है कि उनकी बहू और पार्टनर वरुण ने मिलकर संपत्ति की लालच में उनके बेटे की हत्या कर दी। इसके साथ ही मृतक के पिता ने दिल्ली पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। दिल्ली में बच्चा रह रहा था, उसका अपना कारोबार था और वहीं पर साजिश के तहत उसके पार्टनर वाइफ और उसके साले ससुर मिल के उसके साथ वारदात किया। मृतक शिवांश के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से गुहार भी लगाई, लेकिन अधिकारियों ने पल्ला झाड़ दिया, जिसके बाद परिजन पिछले 17 दिनों से शव को डीप फ्रीजर में रखकर न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो 17 दिन से एक पिता न्याय का इंतजार कर रहा है, उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पिता का कहना है कि दोबारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, चूंकि पहली बार दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ है, उस वक्त बहू यानी उनकी इसकी पत्नी मौजूद थी और शक जो है बहू पर ही है। पिता को शक अपनी बहू पर है कि बहू ने ही बेटे का कत्ल किया है और उसमें उसके पार्टनर ने साथ दिया है और साले ने साथ दिया है। एक शिवांक एक प्राइवेट कंपनी चलाता था, इसमें वरुण उसका सहयोगी था, इन दोनों ने मिलकर कंपनी को खड़ा किया था और जिस आरोप जिस पर लग रहा है वो वहीं पर एचआर मैनेजर के पद पर काम करती थी। 2013 में इन लोगों ने शादी की और उसके बाद इनके एक साल की बेटी भी है और अब दोबारा पोस्टमार्टम के लिए ये पूरा परिवार न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहा है। हालांकि अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है, इन्होंने अपनी बात पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी सबसे गुहार लगाई लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई है। अनूप श्रीवास्तव हमारे सुल्तानपुर के संवाददाता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनूप, क्या अभी तक इनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई दोबारा पोस्टमार्टम की, जैसा कि इनकी मांग है, क्या इस बात को अनसुना किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा? देखिए राहुल, आपको बता दूं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, जो पीड़ित परिवार है उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि हमारा जो है जो मृतक बेटा है उसकी दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, इसी को लेकर वो कोर्ट की शरण में गए हैं। अभी तक फिलहाल 17 से आज 18 दिन हो गया है। संदिग्ध परिस्थिति में दिल्ली में मौत हुई थी, उसके बाद
वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस वहाँ की मिली थी, सही से पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उन्हें आशंका है कि इसकी हत्या की गई है। इसी को लेकर सुल्तानपुर आए, यहाँ पे जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं थी। लिहाजा उन्होंने कोर्ट की शरण ली है कि इनके बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम हो। इसी को लेकर पिछले 17-18 दिन से फ्रीजर में सौ डॉक्टर घर पे पड़े हुए हैं। राहुल अनूप कहाँ के कोर्ट में गुहार लगाई है, दिल्ली? देखिए आपको बता दूं, जो इनके पीड़ित परिवार है उनके पिता का कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ उन्होंने दीवानी न्यायालय जो सुल्तानपुर में है यहाँ भी जिला जज से गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये इनका मामला सीजीएम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। कोर्ट जो आदेश देगी उसके बाद ही कुछ तय पाना उचित होगा। राहुल बिल्कुल, यानी न्याय की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगाई गई है और यहाँ भी लगाई गई सुल्तानपुर की निचली अदालत में, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये 17 दिन से ये डेड बॉडी डीप फ्रीजर में रखी गई है, चूंकि पिता को शक है कि बहू और इसके बिजनेस पार्टनर यानी जो दो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर इसका कत्ल किया है, ऐसा मानना है, और अब तक इन्हें न्याय नहीं मिला है।